बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। तो देखो कुछ लोग सोचते हैं मूवमेंट में करना क्या है, स्क्रीन को इधर उधर घुमाना है, मूवमेंट अपने आप हो जाएगा, हर जगह बेइज्जती करवा रहा हो तुम। बट जब एनिमी से आमना सामना होता है तो मूवमेंट गया तेल लेने, M10 की 6 बुलेट उसके सीने में उतारो, बात खत्म करो। अरे वाह गुड आईडिया। एंड वहीं पे मूवमेंट को लेकर काफी सारे प्लेयर्स काफी सारी चीजें सोचते हैं। यार मेरे पास आईफोन होता ना तो मैं व्हाइट सिल्वर 4 राइस्टार एंड जीरोक्स जैसे सभी प्लेयर को एक साथ 7-0 से मार देता। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अबे मूवमेंट करने की क्या जरूरत है, डबल वेक्टर के आगे किसी का मूवमेंट चल सकता है क्या? तो देखो गाइस आप लोग को फास्ट मूवमेंट के लिए या फिर सुपर फास्ट गेम प्ले के लिए पीसी या हाई बजट वाले मोबाइल की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एग्जांपल के लिए अगर कोई अच्छा प्लेयर है एंड उसको 2 GB रैम का फोन दे दिया जाए एंड वहीं पे एक नूब प्लेयर है एंड उसको एक आईफोन दे दिया जाए तो इन दोनों प्लेयर्स में सबसे फास्ट गेम प्ले किसका होगा? मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। ऑब्वियसली 2 GB रैम वाले प्लेयर का मूवमेंट अच्छा होगा क्योंकि उसे पता है कि भाई मूवमेंट कैसे करना है, फास्ट गेम प्ले कैसे करना है, उसने पहले से सीख रखा है। साबित करना चाहता है तू? तो ऐसा आप लोगों को किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले बेसिक चीजों को समझना होगा, सीखना होगा कि कैसे क्या करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहे आप लोगों के टॉप 5 मिस्टेक्स एंड ट्रिक्स, जिसे अगर आप लोग अच्छे से समझ जाते हो तो आप लोग का गेम प्ले काफी ओपी हो जाएगा एंड काफी फास्ट हो जाएगा। एंड लास्ट वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे आप एक लेजेंड प्लेयर इजिली बन सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट है कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। सोनिया और दिमित्री से तो आप लोगों ने पहले ही हाहाकार मचा रखा है, सिस्टम पार देंगे। मूवमेंट के लिए आप लोग को इन्हें त्यागना पड़ेगा। बात करें एक्टिव स्किल की तो इसमें आप लोग तेजस्विया, आलोक, क्रोनो इन तीनों में से किसी भी कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं। अभी के टाइम में एक्टिव स्किल में तेजस्विया कैरेक्टर काफी ओपी वर्क कर रहा है तो आप लोग तेजस्विया कैरेक्टर का यूज कर लेना। फर्स्ट स्लॉट में आप लोग को कैली का यूज करना है, कैली आपके मूवमेंट को 6% हमेशा के लिए इंक्रीज कर देती है। इसके बाद आप लोग को सेकंड स्लॉट में दशा कैरेक्टर का यूज करना है, इसके यूज से अगर आप लोग किसी एनिमी को डाउन करते हो तो आप लोग का मूवमेंट स्पीड 12% तक बढ़ जाता है। एंड वहीं पे आप लोग बैक टू बैक 2 एनिमी को एक साथ डाउन कर देते हो तो आप लोग का मूवमेंट स्पीड 15% तक बढ़ जाता है। अगर आप लोग शॉटगन का बहुत ही ज्यादा यूज करते हो तो आप लोग को कैरोलिन कैरेक्टर का यूज करना चाहिए, क्योंकि इस कैरेक्टर के साथ जब आप लोग शॉटगन को होल्ड करके रन करोगे तो आप लोग का मूवमेंट स्पीड 13% तक बढ़ जाएगा। तो बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो है हैंड सेट ऑन कस्टम एचयूडी। तो देखो भाई आप लोग का फास्ट मूवमेंट तभी हो पाएगा जब आप लोग अपने कस्टम एचयूडी पे अपना हैंड सेट हो पाएगा। अच्छा। एंड बहुत सारे प्लेयर्स एक बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं, वो अपने कस्टम एचयूडी को बार बार चेंज करते रहते हैं। लाइक आज आपने राइस्टार का गेम प्ले देखा तो आपने अपने कस्टम एचयूडी को राइस्टार जैसा कर लिया, कल जीरोक्स FF का गेम प्ले देखा तो अपना कस्टम एचयूडी जीरोक्स FF जैसा कर लिया। आप लोगों को ऐसा कभी भी नहीं करना है, आप लोगों को अपने कस्टम एचयूडी को बार बार चेंज नहीं करना है, इससे जो आप लोगों का गेम प्ले है वो बार बार खराब होता जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों का मूवमेंट घंटा होगा। आप लोगों का कस्टम एचयूडी जैसा भी हो, 2 फिंगर का हो या फिर 3 फिंगर का हो, आप लोगों को अपने कस्टम एचयूडी में ही खेलना है एंड आप लोगों को अपने कस्टम एचयूडी को बार बार चेंज नहीं करना है, इससे जो आप लोगों का पहले गेम प्ले हो भी रहा था वो भी खराब हो जाएगा। भाई मुंह की बात छील ले। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, जो है सेंसिटिविटी। तो देखो कम सेंसिटिविटी में भाई आप लोग चाह कर भी उस लेवल का मूवमेंट नहीं कर पाओगे जिस लेवल का मूवमेंट आप लोग करना चाहते हो। आप लोग अपने जनरल सेंसिटिविटी को 100 कर लेना, लेकिन फिर भी अगर आप लोग का सेंसिटिविटी कम है तो आप लोग DPI का यूज कर सकते हो। तो देखो आप लोगों को अपना परफेक्ट सेंसिटिविटी कैसे फाइंड करना है, इसके लिए आप लोग को जाना है ट्रेनिंग ग्राउंड में एंड आप लोग का इस तरीके से करने पे 7-8 बार रोटेशन आ जाता है तो आप लोग का एक परफेक्ट सेंसिटिविटी है एंड कम आता है तो आप लोग DPI को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करके चेक कर सकते हो। ठीक है समझिए। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, जो है फास्ट ग्लूअल। तो देखो भाई अगर आप लोग को सुपर फास्ट मूवमेंट करना है तो फास्ट ग्लूअल लगाना आना चाहिए। मूवमेंट देखने में उसी बंदे का अच्छा लगता है जो फास्ट एंड एक्यूरेट ग्लूअल लगाता है, लाइक जीरोक्स, राइस्टार, ये सभी प्लेयर्स कितना फास्ट ग्लूअल लगाते हैं एंड हमें देखने में कितना ओपी लगता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो ग्लूअल ट्रिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक फुल वीडियो बना रखा है कि कैसे आप लोग जीरोक्स FF, एलिवेटर FF या फिर व्हाइट FF जैसे ग्लूअल को लगा सकते हो। तो इस वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इस वीडियो के बाद आप लोग जाके देख लेना। ग्लूअल लगाते समय एक कॉमन मिस्टेक है जिसे फ्री फायर के ऑलमोस्ट सभी प्लेयर करते हैं, जो है भाई बंदे फास्ट ग्लूअल तो लगा लेते हैं बट फास्ट क्लिक टू स्विच नहीं कर पाते हैं, जिससे वो ग्लूअल में ही उलझे रह जाते हैं एंड उनका फास्ट मूवमेंट नहीं हो पाता है। ये एक छोटी सी चीज आप लोग के पूरे गेम प्ले को एकदम स्लो बना देती है, तो इसे आप लोग को सुधारना होगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा कस्टम रूम खेलो एंड जल्दी से जल्दी क्लिक टू स्विच करने का प्रैक्टिस करो। तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, जो है फास्ट फिंगर मूवमेंट। तो देखो भाई आप लोग को पता ही होगा फास्ट मूवमेंट करने के लिए कितना ज्यादा हिलाना पड़ता है, मतलब स्क्रीन को कितना फास्ट तरीके से इधर उधर स्लाइड करना पड़ता है। तो फास्ट तरीके से तभी हिला पाओगे जब आप लोग के हाथों में रफ्तार होगी।
तो फास्ट फिंगर मूवमेंट के लिए आप लोग को पाउडर या फिंगर स्लिप्स का यूज करना है, जो कि मार्केट में आप लोग को इजीली मिल जाएगा। बिना पाउडर या फिंगर स्लिप्स के जो आप लोग का फिंगर है वो स्क्रीन पे चिपकेगा एंड आप लोग अच्छी तरीके से मूवमेंट नहीं कर पाओगे। एंड एक लास्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, अगर आप लोग टू फिंगर प्लेयर हो तो आज से ही थ्री फिंगर खेलना स्टार्ट कर दो, क्योंकि भाई पहले मैं भी टू फिंगर प्लेयर था एंड मेरा उतना अच्छा मूवमेंट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि टू फिंगर में फास्ट मूवमेंट करने के लिए भाई फिंगर को टाइम ही नहीं मिलता था। तो इसके बाद मैं थ्री फिंगर पे स्विच हो गया एंड थ्री फिंगर पे भाई मैं सच बताऊं तो मेरा डे बाय डे गेम प्ले इंप्रूव होता गया एंड मेरा बैकग्राउंड में आप लोग गेम प्ले देख रहे हो, मैं ठीक ठाक गेम प्ले कर लेता हूं। तो आप लोग थ्री फिंगर में खेलना कैसे स्टार्ट कर सकते हो, मैंने इसके ऊपर एक फुल वीडियो बना रखा है कि कैसे आप लोग स्टेप बाय स्टेप थ्री फिंगर में खेल सकते हो, तो इसका भी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इस वीडियो के बाद आप लोग जाके देख लेना। तो अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके जरूर से फॉलो कर लेना। तो आई होप गाइस वीडियो आप लोग को पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।